अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हाजिरा। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं हरी मूंग का खुरमे की रेसिपी। ये देखिए, मैं हरी मूंग को भिगने डाल चुकी हूँ। एक आलू है बड़ा साइज का और ये एक बोल हरी मूंग है। अब इसको हम भिगने रख चुके हूँ। ये देखिए, एक मुट्ठी खतीमिर है, डेढ़ प्याज है, तीन पीस नारल है, 8 टमाटो हैं। चलो इस सब का पेस्ट बना लेंगे। चलिए सभी इसी में ऐड कर लेंगे जार में। चलो कटी हुई भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। नारियल पूरा इसी में मिक्स कर लेंगे। प्याज पंडू उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, ये अदरक लहसुन डेढ़ चम्मच, अदरक लहसुन, कश्मीरी मिर्ची डेढ़ चम्मच, एक चम्मच नमक, नॉर्मल मिर्ची डेढ़ चम्मच, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच से कम गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, सिर्फ अदरक लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर पीसने के लिए। चलिए इसका पेस्ट बना लेंगे थोड़ा पानी ऐड करके। देखिए, मैंने कुकर को चढ़ा लिया चूल्हे पे, तो अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। ये देखिए, तेल ऐड कर चुकी हूँ मैं, 2 बड़े चम्मच से तेल ऐड कर चुकी हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने देंगे। उसके बाद हम ये जो मूंग है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। चलिए मूंग ऐड करेंगे इसमें। इसको 5 मिनट तक पकने देंगे, 5 से 10 मिनट तक पकेंगे इसको अच्छी तरह। अच्छी तरह से इसे मसाले को पकने देंगे, हरी मूंग को सबको। थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बस थोड़ा सा है पानी। इसे अच्छे तरह से मसाले में पका लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ गाइस, फुल वॉच कीजिए वीडियो। आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। देखिए कितनी अच्छी तरह से कॉर्नर में तेल आके कर चुका है, इसमें मसाला पक चुका है हमारा। माशाल्लाह, खुशबू तो इतनी प्यारी आई है गाइस। इसी में हम जो मिक्स करके मसाला पीसे थे वो ऐड कर देंगे इसमें। ये पानी ऐड करके इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे।
देखिए अच्छी तरह से पक रहा है। इसको हम चार सीटियाँ ले लेंगे, इसके चार सीटियों के बाद ओपन करके दिखाऊंगी आपको। कुकर ओपन करके देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा दिख रहा है। ये कोरमा मूंग की दाल का, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए गाइस, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हाजिरा। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कबाब की रेसिपी, हैदराबादी कबाब, चिकन हैदराबादी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चले हम रेसिपी शुरू करते हैं। दो चम्मच कश्मीरी मिर्ची, डेढ़ चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच फूड कलर, गरम मसाला थोड़ा सा, डेढ़ चम्मच धनिया, एक कड़ी करी पत्ता, तीन सूखे मिर्च, दो अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए अब इन सब का पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लेंगे एक जार में, और इसमें नमक ऐड कर लेंगे। गरम मसाला, धनिया डेढ़ चम्मच, करी पत्ता दो तीन सूखे मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्ची और ज़ीरा, भुनी कुटी ज़ीरा है ये। अब सबका हम पेस्ट बना लेंगे। ये तीन चम्मच दही है, उसको भी ऐड कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आधा किलो चिकन में जो मसाला था मैंने ऐड कर चुकी थी, दिखाना भूल गई थी गाइस। और मसाले हैं सूखे मसाले, तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर, तीन चम्मच चने का आटा, दो चम्मच सफ़ेद तिल, दो चम्मच तेज मसाला, डेढ़ चम्मच गरम, एक चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला आधा चम्मच, फूड ये जो सोडा है वो भी छोटा आधा चम्मच, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच हल्दी। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे इसी के अंदर इन सब चीज़ों को। सबको इसी में मिक्स करके ये अंडा है वाइट जर्दी, ये भी ऐड कर लेंगे। ये तीन चम्मच तेल है, ये भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये कटिंग करके है ना, इसके अंदर अंदर तक मसाला जाना है। सोडा इसलिए डाली हूँ मैं, चिकन सॉफ्ट होता है और अच्छा भी पकता है और जल्दी गल भी जाता है। ये शादी वाला कबाब है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे हम इसको।
वालेकुम। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे तेल ऐड कर चुकी हूँ। तेल गर्म होने के बाद हम जो हम मैरिनेट करके कबाब रखे थे वो तल लेंगे। ये देखिए कबाब, अब इसको हम तल लेंगे। पहले एक तरफ की तरफ पका लेंगे, फिर एक से दूसरी तरफ, दूसरी बार पलटा के पका लेंगे। पलटाएंगे अच्छी तरह से, उसको उलट पलट के पका लेंगे।